नाइट ऑफ नेशन में आज हमारे साथ है प्रीति सपू जी, जो कि एक बहुत ही फेमस जानी मानी पंजाबी एक्ट्रेस हैं और अभी मुंबई में भी अभी न्यू अपनी पहचान बना चुकी हैं इतनी ज़्यादा कि इनको ऐसा कोई शख्स नहीं इंडिया में जो इनको ना जानता हो। आज उनके साथ हमारी लाइट ऑफ नेशन की एक छोटी सी मुलाकात है, जानेंगे उनकी जवानी कि वो अपने फिल्मी सफ़र उनका कैसा रहा। और आज वो जम्मू में एक स्पेशल स्पेशल गेस्ट की तरफ से आए थे एक फंक्शन में, तो उनके फंक्शन के बारे में भी जानेंगे कि उनको जम्मू आके फंक्शन में कैसा लगा। आइए, सबसे पहले मैम आप अपना नाम बताइए और आप आपके बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ के रहने वाले हैं। मैं प्रीति दया किशन सपरू, मेरे फादर फिल्म एक्टर सपरू, उनके फादर डोगरा किंगडम के ट्रेजरार थे महाराजा हरि सिंह के दौर में, और मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने चले गए इंडिया, और 360 से 400 फिल्में उन्होंने की है, 100-150 फिल्म एज हीरो, 100-150 एज विलन, फिर समझिए 100-150 एज कैरेक्टर एक्टर। नरगिस संजय दत्त शुमदा सुरेंद्र जी की भाई, उनकी पहली फिल्म मेरे फादर के साथ थी रोमियो जूलियट एज हीरो, एज ही वॉज हर हीरो। और मतलब फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, मम्मी मेरी डिस्कवरी थी पृथ्वीराज कपूर, और देवानंद की पहली फिल्म है जीरो मेरी मम्मी के साथ मोहन, और जेल यात्रा, घर घर की कहानी। सो मेरी मदर भी एक्ट्रेस हैं और वो कर्नाटक को बिलोंग करती थी, तो मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हूँ, और मैंने मेरा जन्म मुंबई में हुआ, परवरिश भी वहीं हुई, और डैडी एक्टर थे इसलिए फिल्मों के ऑफर बहुत ही छोटी उम्र से आने शुरू हो गए। 11-12 साल की थी तो प्रोड्यूसर्स मेरे डैडी को जो मिलने आते थे कहते थे आपकी बेटी को बोलिए हमारी फिल्म में काम करें। तो मैंने 13 साल की उम्र में फिल्म की हवाई जो लगी 79 में, और 80 में मैंने लावारिस की, और 81 में सरपंच पंजाबी फर्स्ट, मेरी फर्स्ट पंजाबी फिल्म जो गोल्डन जुबली थी, और वो फिल्म के बाद पंजाबी फिल्म का तो मेरा पूरा दौर शुरू हो ही गया। और हिंदी फिल्म में मैंने 23 की हैं, सब एक्टर्स के साथ काम किया, मिर्ची से लेके धर्मजी, अनिल के मिठोन और जीतू जी, सब लोगों के साथ, यहाँ तक कि मेरे फेवरेट एक्टर दिलीप कुमार साहब के साथ मैंने धर्म अधिकारी की, और फिर उनके डायरेक्शन में उन्होंने जब मुझे बुलाया उनकी बेटी का रोल करने कलिंगा, तो मुझे बहुत ही फख्र महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी डायरेक्शन में काम करूं। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म लगी नहीं, कलिंगा लगी नहीं। मैम आपके करियर की जो सबसे आपको बेस्ट फिल्म लगी, जिस फिल्म को आप मानते हो जिसकी पहचान, जिस फिल्म ने आपको एक पहचान दी इस करियर में, वो कौन सी फिल्म है? मेरी फिल्म जिसने पहचान दी, आप हिंदी में कहेंगे कि पंजाबी में? दोनों में, जिसमें आपको। हिंदी में मैंने देखिए, वैसे तो जो मेरी सुपरहिट फिल्म्स हुई है हिंदी में वो है अवतार, लावारिस, आज का अर्जुन, बट मेरी मुझे जो बहुत अच्छी लगी थी हिंदी फिल्म, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वो ब्रिज साहब जिन्होंने विक्टोरिया 203 बनाई थी उनकी थी, ऊँचे लोग, उसमें मैं राजेश खन्ना से प्यार करती हूँ, वो सलमान का से ऐसे कहानी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और एस के कपूर की गोरा थी जिसमें मैं हीरोइन थी, काफ़ी फिल्में मतलब ठीक है, बट पंजाबी में मुझे कुछ फिल्में हैं जो मेरी मेरे हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, वो है दीवा बले सारी रात, उच्चा दर बाबे नानक दा, भाबो, यारी जगती भी कह सकते हैं, और मुकद्दर, ये फिल्में मेरी हैं जिसमें मेरा परफॉर्मेंस आपको एज एन आर्टिस्ट मतलब दिखता है। और बहुत छोटी उम्र में मैंने राइटिंग भी शुरू कर दी थी, मेरी पहली फिल्म थी हिंदी ज़मीन आसमान मैंने लिखी थी, उसके बाद मेरी अपनी पंजाबी फिल्में जो मैंने प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की, कुर्बानी जगदी, मेहंदी शगना दी, सरदारी, ये मेरी लिखी हुई फिल्में थी, मैंने डायरेक्ट की थी। फिर मैंने प्रतिज्ञा बनाई, बधाइयाँ बनाई, 13 सीरियल्स बनाए मैंने प्रसार भारती के लिए, तो मैंने काफी काम कर लिया फिल्म
वो शौक पूरा हो गया। अच्छा मैम, उसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सुना कि आप एक अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं। बड़ी अजीब बात है कि मुझे अकाली दल की तरफ से आया था एक ऑफर कि मैं लुधियाना की सीट लड़ सकती हूँ उनके लिए। तो मैंने सोचा वो लोकल पार्टी हो जाती है ना, तो मैं अगर ज्वाइन करूँगी तो मैं वो पार्टी करूँगी जो नेशनल हो। तो नेशनल में मेरे पास चॉइस थी यही, आइदर कांग्रेस और बीजेपी। तो एक तो कश्मीरी होने के नाते हमेशा बैक ऑफ द माइंड 1990 से कश्मीरी के जो मेरी कम्युनिटी है ब्राह्मण्स, उनके साथ बुरा हुआ है, तो वो एक हमेशा माइंड पे था। तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि कश्मीर के लिए भी अगर कुछ करना है तो जम्मू कश्मीर के लिए तो भी मतलब मुझे बीजेपी की सपोर्ट मिले तो अच्छा। सबसे बड़ी बात मैम, जिस फंक्शन के लिए आज आप जम्मू में आए हो, जिसमें आपने देखा कि अचीवर अवार्ड जो ऊर्जा जी ने फंक्शन करवाया उसमें आप स्पेशल गेस्ट आपको बुलाया गया था यहाँ पे, उसके साथ साथ एक एनजीओ बेटिया फाउंडेशन भी आपने देखा, उसके बारे में भी सुना आपने, वो हमारी लाइट ऑफ नेशन की ही कंसर्न में है बेटिया फाउंडेशन। तो आप आज के फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए आज के फंक्शन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अवार्ड तो मैंने इतने लिए कि आप गिन नहीं सकोगे। छोटे मतलब पंजाब शिरोमणि, महिला शिरोमणि, पंजाब रतन, पंजाब स्टेट अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड, ये वो तो अवार्ड्स तो बहुत मिले। अवार्ड का कोई चार्म नहीं, जम्मू का चार्म है और बेटिया का चार्म है कि बेटिया के ऊपर ये अवार्ड्स हो रहे हैं और ये बेटियों की हौसला अफजाई करने के लिए ये मतलब ले रहे हैं एफर्ट, तो ये मेरे लिए बहुत है। और फिर जम्मू कश्मीर की बेटियाँ, तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि नेचुरली एक लिंक बनता है। तो मैं इसलिए आई हूँ, मेरे लाख बच्चों के रोकने पे, हस्बैंड के रोकने पे, फिर भी मैं निकली आई आज। इनफैक्ट एयरपोर्ट जाते हुए मैंने ऊर्जा जी को फ़ोन किया था कि ऊर्जा जी, एक अमरनाथ जी का जो हादसा सुन के थोड़ा सा दिल को अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने फ़ोन किया कि मैं कैंसिल करूं आने। तो उन्होंने कहा प्रीति जी नहीं, प्रोग्राम मेरा हो गया, सब आ गए दूर दूर से। फिर मैंने कहा चलिए जाते हैं ना। चलो अंत में मैम, ये लाइट ऑफ नेशन आपने फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात हमारी लाइट ऑफ नेशन से हुई है। आपका टाइटल बहुत अच्छा, लाइट ऑफ नेशन। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी लाइट ऑफ नेशन के बारे में भी कुछ दे, इस लाइट ऑफ नेशन द्वारा लोगों को कुछ संदेश दे, वो मैं आपकी जुबानी चाहता हूँ कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी लाइट ऑफ नेशन मैगजीन। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, हमारी मैगजीन के साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी है जो आप ऑल इंडिया में कहीं भी देख सकते हो, जिसका लाइट ऑफ नेशन न्यूज़ जेके के नाम से आप सब पा सकते हो। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि लाइट ऑफ नेशन और मीडिया के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैसेज तो नहीं कहूँगी, रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें अगर मीडिया जो चीज़ें दिखा के लोगों के मतलब बहक जाए, क्या बोलते हैं, भड़क जाए लोग, वो अवॉइड ही करें तो बेटर है। हाँ, आप लाइट ऑफ नेशन में अच्छी चीज़ें दिखाइए ना, लाइट ऑफ नेशन उस पर डालिए, लाइट ऑफ नेशन आप उस पर डालिए जो अच्छे काम हो रहे हैं, जहाँ पीस के लिए काम हो रहा है, जहाँ शांति है, जहाँ वो है। अगर आप लाइट ऑफ नेशन दंगों फसादों पे ही डालोगे तो वो और भड़केंगे। इसका आप सबसे पहले प्रूफ तो आपको दिखा दिया कि हमने लाइट ऑफ नेशन आज प्रीति सपूत जी पे लाइट की है कि वो जम्मू में आए हैं, और हमने हम चाहते हैं कि जम्मू वालों को उनकी उनकी सोच जो उनके कार्य हैं, जम्मू वाले भी देखें कि वो क्या कर रही हैं अब बैठे। इसलिए आज लाइट जो सबसे पहले लाइट हमने प्रीति सपूत जी की तरफ की है, और अब एंड में आपका जो भी संदेश है हमें दीजिए। और मैं लाइट ऑफ नेशन, आप बहुत अच्छा नाम लिया है और बहुत अच्छा काम यकीनन कर रहे होंगे, जब भी बस यही रिक्वेस्ट है कि जिससे हमारे देश में शांति और अमन हो सके उसके लिए बात कीजिए। मैं भी वही कर रही हूँ और कोई नहीं, मैंने बीजेपी कोई मिनिस्टर बनने नहीं ज्वाइन की, मैंने ऐसा कुछ देखा था जिसमें मुझे ऐसे लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे देश का क्या होगा। सो मैंने अगर ज्वाइन की बीजेपी जस्ट अपने कंट्री के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो मैं जो कुछ अपना योगदान थोड़ा बहुत दे सकूंगी अपने देश के लिए वो जरूर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइट ऑफ नेशन के साथ बात करने के लिए। अभी आपने देखा प्रीति सपूत जी ने अपने बारे में बताया हमें कि वो लाइट ऑफ नेशन के बारे में भी उन्होंने बोला और इस फंक्शन के बारे में भी बताया जहाँ पे वो आए थे स्पेशल गेस्ट के तौर पे, और उनको बहुत अच्छा लगा ये फंक्शन देख के जो कि बेटियों के ऊपर था, और उनको काफ़ी अवार्ड्स उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किए हुए हैं, काफ़ी अवार्ड लिए हुए हैं, लेकिन उनको जो आज का अवार्ड था इसके लिए उनको बहुत खुशी है, और ये समय उनके लिए लाइफ का बहुत ही अच्छे समय था कि जो जम्मू में आकर उनको ये अवार्ड मिला। कैमरामैन सुनील सागर के साथ अमित कुमार, जम्मू।